सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, जानदार स्पेसिफिकेशन और एक नंबर ब्रांड। जी हाँ, बात कर रहा हूँ नोकिया के बारे में। हमेशा से नोकिया का एक ऐसा ब्रांड है जो पहचान रहा है स्ट्रांग फोन की, अगर मैं बात करता हूँ तो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं नोकिया का फोन परचेज करने की, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ नोकिया के वो फोन जो कि 10,000 की रेंज में, 10,000 से नीचे, 15,000 की रेंज में, 20,000, मतलब कि अगर 10,000 से लेकर 20,000 की रेंज में आप प्लान कर रहे हैं नोकिया का फोन लेने की, तो काफी सारे फोन आज की तारीख में अवेलेबल है, लेकिन मैं छाट के लाया हूं वो तीन फोन जो गारंटीड आपको सेटिस्फाई करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फोन की, तो वो है नोकिया का 5.1। ये फोन जो है 10,000 से नीचे, मतलब 9,999 रुपए का मिल रहा है, और अभी एक सेल चल रही है जिसके अंदर 8,999 रुपए के अंदर अवेलेबल है। मैं कहता हूं नोकिया नहीं, किसी भी अगर ब्रांड का नाम ले ले तो 10,000 की रेंज में दी बेस्ट फोन आज की तारीख में अवेलेबल है। फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 5.8 इंचेस की HD प्लस का डिस्प्ले जो कि 19:9 की एस्पेक्ट रेशियो पे चलता है, मतलब नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको मिल रहा है 2.5D का कर्व ग्लास, यानी कि ये एक ग्लासेस का डिजाइन है, बहुत ही देखने में शानदार ही लगता है। इसके अंदर आपको मिलेगा 3GB रैम और 32GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलने वाली है। अलग से भी आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर स्टोरेज, 32 या 64 GB का आपको जो कार्ड लगाना हो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। 13 MP प्लस 5 MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है। 5 MP का जो कैमरा है वो डेप्थ सेंसर कैमरा है, मतलब आप बुके इफेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, आपको पोर्ट्रेट पिक्चर लेनी तो काफी अच्छी इसके अंदर आपको आएगी। साथ ही आपको मिलेगा 8 MP का सेल्फी कैमरा, और दोनों ही कैमरे काफी अच्छे हैं। मैंने खुद ये फोन यूज करा है, काफी मतलब कहीं से लगता ही नहीं है कि आप 10,000 रुपए वाला फोन यूज कर रहे हैं या 9,000 रुपए वाला फोन यूज कर रहे हैं। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो 3060 mAh की तरफ बैटरी मिलती है, और साथ ही मिलता है USB-C का सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आप जो है बैटरी को इंस्टेंटली फास्ट आप चार्ज कर सकते हैं। एंड्रॉइड पाई का जो है आपको सपोर्ट मिलता है, साथ ही मिलता है आपको हीलियो का P60 वाला प्रोसेसर जो कि AI को सपोर्ट करता है। अगर बात करता हूँ सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है एक पूरा पैकेज नोकिया की तरफ से जो कि 10,000 की रेंज में आपको मिल जाता है, 10,000 से भी नीचे के प्राइस पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपये का है तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जरूर जाइएगा, एक मस्ट बाय फोन है नोकिया की तरफ से। और बात करते हैं हम दूसरे फोन के बारे में, दोस्तों दूसरा जो फोन है वो नोकिया का 6.1 प्लस है, और ये जो फोन आपको मिल जाएगा 14,999 रुपए के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के बारे में। इसके अंदर आपको मिल जाता है 5.8 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे चलता है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन, स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिलने वाला है, तो पबजी गेम भी आप बड़े आराम से खेल सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा एंड्रॉइड 9 यानी कि एंड्रॉइड पाई का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। 16 MP प्लस 5 MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है, साथ ही 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 3060 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है, साथ ही मिलने वाला है USB का C का सपोर्ट यानी कि फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आपको मिलने वाली है। क्या कमाल का ये नोकिया का फोन है दोस्तों। इस रेंज के अंदर नोकिया ने इतनी दमदार स्पेसिफिकेशन दी है, और फोन बहुत ही जबरदस्त है, हाथ में लेने में बहुत ही ग्लॉसी सा ये लुक देता है। तो अगर आपका रेंज 15,000 के आसपास है, 15,000 से थोड़ा सा नीचे ये फोन आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से फोन ढूंढने में दिक्कत होती है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। और हम मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे फोन की तरफ। दोस्तों तीसरे फोन की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नोकिया एक ऐसा ब्रांड जो कि 2007 से 2013 के अंदर, मैं 2007 की अगर बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में 52% से भी ज्यादा हिस्सा नोकिया ने अकेले जो है कब्जा कर रखा था। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 100 फोन बिकते हैं तो उसमें से 52 या 53 फोन जो है वो नोकिया के होते थे, और बाकी के जो 47 और 48 फोन होते थे सारी कंपनियां आ जाती थी। उस टाइम पे एरिक्सन भी था, उस टाइम पे सीमेंस भी था, LG भी था, बहुत सारे ब्रांड उस टाइम पे थे, मोटरोला वगैरह, जो कि सबके मिला के तो 47-48 फोन बिकते थे, और अकेले नोकिया के जो 52 फोन बिकते थे। लेकिन 2013 में एक ऐसा टाइम आया, और अभी करंट की अगर बात करूं तो इस टाइम स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया का सिर्फ 1%। देखिए कैसे मतलब कि डाउन होता है, अभी सिर्फ 1% है। खैर नोकिया की क्या कमियां रही इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बने होंगे, लेकिन अब दमदार वापसी हो गई है, काफी सारे एक से बढ़ के एक नोकिया के फोन आ रहे हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे फोन की तरफ। तीसरे फोन की अगर बात करूं तो वो है नोकिया का 7.1 जो कि 19,999 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिलता है, और 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलेगी। एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलने वाला है। 5.84 इंच की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन वही 19:9 का रेशियो आपको मिलने वाला है। नॉच वाली स्क्रीन है। 3060 mAh की बैटरी मिलेगी। काश इसके अंदर बैटरी थोड़ी सी नोकिया ने बढ़ा दी होती, क्योंकि 20,000 का फोन है तो डेफिनेटली करीब करीब 3,500 से 4,000 mAh की बैटरी अगर होती तो काफी अच्छा रहता। बाकी टाइप सी का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलने वाला है, यानी कि फास्ट चार्जिंग इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी।
12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का वो रियर कैमरा मिल जाएगा, जिसके अंदर जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसके अंदर आपको 1.8 का अपर्चर मिलने वाला है, लो लाइट इमेजेस भी काफी अच्छी आ जाएगी, और साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, तो इसके अंदर भी कैमरा काफी अच्छा है। दोस्तों ये तीन फोन थे जो कि 10, 15 और 20,000 की रेंज में आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट जो है वो इस रेंज में से किसी में भी जाता है और आपको नोकिया का फोन लेना है तो आप इसमें से किसी भी फोन के लिए जा सकते हैं। हर एक फोन का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर चल रहा है गिव अवे जिसमें आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं काफी सारे इनाम। एक मैं आपको छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूं, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आपके चैनल पे चल रहा है एक जबरदस्त गिव अवे जिसके अंदर जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे पांच मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है पांच एंट्री कर सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये पांच आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा, तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर, और ऑल द बेस्ट।